चिकन की कढ़ाई बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए जो कि 1 किलो है। इसके इस तरह से बड़े पीस हैं ये। इसके अलावा इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज है जिसको फाइन चॉप कर लिया है। इसमें हमें 1/4 कप दही चाहिए, गरम मसाला जिसमें 1 बड़ी इलायची, इसमें 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, थोड़ी सी इसमें 4-5 लौंग हैं और इसमें 10-12 दाने जो हैं काली मिर्च के और जीरा। 2 टेबलस्पून हमें लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए, 2 टमाटर हैं जिन्हें रफ जो है वो काट लिया है। इसके अलावा 1 टमाटर हमें लंबाई में इस तरह से जूलियन कटिंग में भी चाहिए जो हम आखिर में ऊपर डालेंगे। इसके अलावा इसमें 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून जो है वो नमक है। लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें हैं जिन्हें दरमियान से इस तरह से काट लिया है, ये तकरीबन 10-12 है। इसके अलावा जूलियन कटिंग हमारे पास अदरक है जो हम आखिर में डालेंगे और ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो कि मोटी कुटी हुई है और ये ताजी है, इसमें ये हम 1 किलो चिकन के अंदर 2 टीस्पून की हमें जरूरत होगी। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून जीरा है जिसे भूनने के बाद मैंने इसको पीस लिया। यहाँ 1 कप ऑयल गर्म हो रहा है, इस गर्म ऑयल के अंदर हम इस प्याज को हल्का से प्याज को फ्राई करेंगे, इसको ज्यादा कलर नहीं देना, ब्राउन कलर इसको नहीं देना। तकरीबन 5-7 मिनट तक इस प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ये सारा गरम मसाला डाल देंगे। इस गरम मसाले को थोड़ा सा इसके अंदर भूनेंगे ताकि जीरे की इसमें अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे जो कि मैंने इससे 2 टीस्पून लिया है। लहसुन अदरक को भूनने के बाद उसका कच्चा भून जो है वो खत्म हो जाए। अब मैं इसमें ये सारा चिकन डाल दूंगी। चिकन को इसमें हम थोड़ा सा भूनेंगे, जैसे ही ये चिकन पिंक से व्हाइट कलर में होने लगे तो फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। चिकन के अंदर जो कि अब पिंक से बिल्कुल व्हाइट हो चुकी है, इसमें ये मैं टमाटर डाल दूंगी जो कि 2 बड़े साइज के हैं। थोड़ी देर इसको भूनेंगे ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। टमाटर इसमें काफी हद तक सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैं ये नमक डालूंगी और लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज्यादा नहीं डालें क्योंकि हमें आखिर में इसके अंदर जो असल जो फ्लेवर देना है वो ब्लैक पेपर का देना है। इसमें 1/4 कप दही डालें। इस दही के पानी में हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि चिकन जो है वो इसमें गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। दही का पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है लेकिन चिकन अभी कच्चा है, इस वजह से मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी और इसको हम गलने के लिए रख दूंगी। जो मैंने पानी डाला था वो भी काफी हद तक खुश्क हो गया। इसमें थोड़ी सी अभी मैं इसमें जिंजर डालूंगी और ये हम जीरा डालेंगे जिसे भून के रखा था और टमाटर जो लंबाई में काट के रखे थे इसको थोड़ी देर मैं दम पर रखूंगी और फिर हम आखिर में इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालेंगे। कढ़ाई तकरीबन तैयार है, गोश्त भी अच्छी तरह से इसका गल गया है। इसमें आप ये मैं सारी ब्लैक पेपर डाल दूंगी। ब्लैक पेपर डालने के बाद इसको ज्यादा पकाना नहीं है,
सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर को इसको मिक्स करना है और इसको बस डिश आउट करना है, इसलिए कि ब्लैक पेपर को ज़्यादा देर अगर पकाया जाए तो उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है और उसका जायका भी ख़त्म हो जाता है। चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको सिर्फ डिश आउट करूँगी। ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।